हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे अग्रसेन की बावली के बारे में। आप लोगों ने सुना ही होगा अग्रसेन की बावली के बारे में, और आपने काफ़ी सारी फिल्मों में भी इसे देखा होगा, जैसे पीके, सुल्तान जैसी फिल्मों के सीन्स यहाँ पे शूट किए गए हैं, और बहुत सारे लोग वहाँ घूमने भी गए होंगे। पर बहुत से लोगों को अग्रसेन की बावली के बारे में कुछ कुछ बातें नहीं पता जो कि हमारे इतिहास से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जो अग्रसेन की बावली है वो एक पुरातत्विक स्थल है, पुरातत्विक स्थल है यानी एक पुराना स्थल है जो नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में बसा हुआ है। इस बावली में सीढ़ी नुमा कुएं हैं। अगर आप कभी अग्रसेन की बावली गए हैं या जो लोग नहीं गए हैं, मैं उनको बताना चाहूंगी कि जब आप इस बावली में एंटर करते हैं, अंदर की तरफ जाते हैं, तो आप देखेंगे कि सीढ़ी दर सीढ़ी आप जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे, वैसे वैसे आप कुएं के करीब जाते जाएंगे। नीचे 105 सीढ़ियां हैं। इन 105 सीढ़ियों को जब आप क्रॉस करते हैं तो नीचे की तरफ अंधेरे में एक कुआं है। हालांकि अब उसको बंद कर दिया गया, आप चाहें तो उसको लोहे की डंडियों के उस पार देख सकते हैं, लेकिन अंदर जाके भी आप उस कुएं को देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि उस कुएं के आसपास जाना अलाउड नहीं है, लेकिन उसको कुछ लोहे की रॉड से बंद कर दिया गया है कि किसी तरह का हादसा ना हो। ये जो अग्रसेन की बावली है, इसे 14वीं शताब्दी में महाराजा अग्रसेन ने बनाया था, इसलिए उन्हीं के सरनेम पे अग्रसेन इसका नाम पड़ गया। 2012 में जो भारतीय डाक है, उसने अग्रसेन की बावली पर डाक टिकट जारी कर दिया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत भारत सरकार द्वारा इसे संरक्षित किया गया था। इस बावली का जो निर्माण है यानी इस बावली को जो बनाया गया है, उसे लाल बलुए पत्थर से बनाया हुआ है जो अनगढ़ और गड़े हुए पत्थरों से निर्मित है, और ये दिल्ली की बेहतरीन बावलियों में से एक है। अगर आप जाकर देखेंगे तो इसकी जो पत्थर हैं जिनसे ये बना हुआ है, वो लाल बलवे के पत्थर हैं, और ये खुदरे से कुछ बाहर को निकले हुए कुछ अंदर की तरफ इस तरीके के पत्थर हैं। तो अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको कुछ अलग अनुभव जरूर मिलेगा। जो इसकी लंबाई है वो करीब 60 मीटर लंबी है, और जो इसकी ऊंचाई है वो 15 मीटर है। इसके बारे में विश्वास किया जाता है कि ये इसका जो निर्माण है वो महाभारत काल से ही है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा इतिहास ऐसा महाभारत के काल से इसका नाम जोड़कर देखा जाता है। ये दिल्ली की कुछ गिनी चुनी बावलियों में से एक है जो जो आज भी बहुत अच्छी स्थिति में है। यानी अगर आप कभी इस बावली की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे इसकी कंडीशन जो, इसकी स्थिति जो है खराब नहीं है, ये अभी भी बहुत अच्छी है। और इसके इतना पुराने टाइम का निर्माण होने के बाद भी ये जर्जर नहीं हुई है, अभी भी इसमें इसके जो पत्थर है वो मजबूती से अपनी जगह पर टिके हुए हैं। आज भी यहाँ पर कई लोग जाते हैं, चाहे स्टूडेंट्स हों, यात्री हों, कोई भी हो, यहाँ जाते हैं, इनकी इन सीढ़ियों से ऊपर नीचे इनकी दीवारों पर फोटोज खिंचाते हैं। लेकिन इन जो इनकी दीवारें हैं, जो इनकी सीढ़ियां हैं, वो इस कदर मजबूत हैं कि अभी भी वो अपनी जगह पर टिकी हुई हैं। किसी तरह की कोई जर्जरता इस बावली में नहीं आई है। हाल बात यह अलग है कि वो काफी पुराने समय की है, तो समय के अनुसार वो आपको पुरानी जरूर लग सकती है, लेकिन इसमें किसी तरह की खराबी जो है वो नहीं देखी गई है। जंतर मंतर के निकट, जंतर मंतर के पास जो हेली रोड है, ये बावली वहीं पे स्थित है। और आप अगर कभी कनॉट प्लेस जाएं, उसके आसपास के इलाके में जाएं, तो आप जरूर हेली रोड में स्थित इस बावली की तरफ जरूर जाएं। और इसके आसपास काफी कुछ और भी हैं, जैसे कि आपको बाहर खाने पीने की चीजें भी मिल जाएंगी, और आप इस बावली में जैसे जैसे अंदर की तरफ जाते जाएंगे, आपको कुछ अलग और नया महसूस भी होगा। आपको लगेगा कि हाँ, आप अपने पुराने इतिहास से जुड़ रहे हैं। और जो रानी की वान है यूनेस्को की, उन्होंने विश्व में यह धरो विश्व की धरोहर को घोषित करते हुए इसे विश्व की सबसे प्रथम बावली घोषित किया था, जो कि रानी की वाल ने। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी पुरानी और कितनी अद्भुत और कितनी जरूरी कि कितने बावली हमारे देश के लिए, कि आज भी ही अपनी इतनी अच्छी स्थिति में है कि पुराने समय से लेकर अब तक, पुराने समय में जब से ये बनी है तब से लेकर अब तक भी ये बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है। हम लोग जाके उसे देख सकते हैं, अपने इतिहास से जुड़ सकते हैं। आप लोग जरूर इस बावली में जाएं और इसके बारे में
आप चाहे तो खोज भी कर सकते हैं, आप ढूंढ सकते हैं अपने, जिनको इतिहास पसंद है, जो लोग इतिहास के स्टूडेंट हैं या जिनको अपने इतिहास के बारे में जानने का जो शौक रखते हैं, वो लोग यहाँ इस बावड़ी में जाकर उस अनुभव को महसूस कर सकते हैं कि हमारा जो इतिहास था वो कितना मजबूत था और हम किस तरीके से अपने इतिहास से जुड़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।